रेड्डी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिस पर कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष से बयान वापस लेने की मांग की। बाद में आलाकमान के निर्देश पर रेवंत रेड्डी ने बयान पर खेद जताया और शशि थरूर को फोन कर माफी मांगी, जिसकी जानकारी खुद शशि थरूर ने भी ट्वीट के जरिए दी और बताया कि रेवंत रेड्डी ने उनसे माफी मांग ली है। SBI का होम लोन सस्ता हो गया। SBI ने त्योहारों से पहले सभी तरह के लोन की ब्याज दरों में कटौती